सो हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और लेके आ गई मैं आपके लिए एक और अमेजिंग सी अनबॉक्सिंग वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर। सो ये है जैब्रोनिक जैब एक्सन 50, जो रिसेंटली जैब्रोनिक्स ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और चेकआउट करेंगे कैसा स्पीकर हमें मिल जाता है। फ्रेंड, बॉक्स से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें ये दिया गया है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, ये है जैब्रोनिक जैब एक्सन 50 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इसमें हमें 3 डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपनी चॉइस का कलर परचेस कर सकते हैं। और इधर साइड में हमें इसके सभी हाइलाइटेड फीचर्स रिटर्न मिल जाते हैं, जिनको फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डाउन साइड में हमें इसके सारे स्पेसिफिकेशंस रिटर्न मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्द से हम बॉक्स को करते हैं ओपन और चेकआउट करते हैं कैसा स्पीकर हमें इसमें दिया गया है। सो बॉक्स में सबसे पहले हमें दिया गया है ये कार्ड, जिसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके यूज़र मैनुअल को ओपन कर सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें हमें 2 केबल मिल जाते हैं। पहला है हमारा माइक्रो USB चार्जिंग केबल और नेक्स्ट है हमारा ऑक्स केबल। तो दोनों ही केबल हमें एवरेज क्वालिटी के मिल जाते हैं। सो अनबॉक्सिंग करने के बाद फ्रेंड्स, यह आ जाता है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर और काफ़ी बड़े साइज़ का हमें मिल जाता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं क्या क्या फीचर्स हमें इसमें मिल जाते हैं और जितना बड़ा इसका साइज़ है, क्या इतनी दमदार ऑडियो क्वालिटी इसमें हमें मिलती है या फिर नहीं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। सो अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये हमें फैब्रिक में फिनिश मिल जाता है और जो फैब्रिक मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, काफ़ी पतला हमें मिल जाता है और बाकी जगहों पर हमें पॉलीकार्बोनेट मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब इसके डिज़ाइन की। तो फ्रंट पर यहाँ पर हमें जैब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है और दोनों साइड में कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमें दिया गया है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है टॉप पर कंट्रोल पैनल, जिसमें हमें मिल जाते हैं ऑन ऑफ बटन, मोड बटन, वॉल्यूम लो वॉल्यूम हाई बटन, और यहाँ पर ही हमें कॉलिंग बटन, NTWS कनेक्टिंग बटन भी दिया गया है। और नेक्स्ट साइड में फ्रेंड्स, हमें मिल जाते हैं सभी कनेक्टिंग पोर्ट्स। सबसे पहले हमें मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, माइक्रो SD पोर्ट, पेन ड्राइव पोर्ट एंड ऑक्स पोर्ट इसमें हमें दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, लगभग इसमें कंट्रोल बटन में भी हमें सारे बटन्स मिल जाते हैं और सभी कनेक्टिंग पोर्ट्स भी हमें इसमें दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करूँ ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी हमें एकदम एवरेज से भी नीचे मिलती है। जो इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है और अंदर फ्रेंड्स इसमें हमें प्लास्टिक दिया गया है। स्पीकर दिखने में भी चीप फील होता है। नेक्स्ट बात करें इसके डिज़ाइन की, तो जो इसका डिज़ाइन है वो हमें साउंड बार की शेप में दिया गया है, जो बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं है, आपको इसको कैरी करने में प्रॉब्लम आने वाली है। सो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन फ्रेंड्स, मुझे इसकी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगी है, मेरे को पसंद नहीं आई है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं इसके सभी अदर फीचर्स की। सो कनेक्टिविटी के लिए इसमें हमें दिया गया है ब्लूटूथ 5.0, TWS फंक्शन एंड बिल्ट इन माइक भी इसमें हमें मिल जाता है। ड्यूल 52 mm के ड्राइवर्स इसमें दिए गए हैं। FM रेडियो का सपोर्ट भी हमें इसमें मिल जाता है। बट फ्रेंड, वाटर रेसिस्टेंट और डस्ट प्रूफ जैसे फीचर्स इसमें हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आउटपुट की, कितने वॉट के स्पीकर्स हमें इसमें मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें दिए गए हैं 8 वॉट के 2 स्पीकर्स, मतलब टोटल हमें 16 वॉट का आउटपुट इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की। तो इसमें हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं दिया गया है कि कितनी mAh की बैटरी इसमें दी गई है। बट फ्रेंड्स, इसको फुली चार्ज होने में 4 आवर्स का टाइम लग जाता है। और बात करें इसके म्यूजिक टाइम की, तो अगर आप इसको 50% वॉल्यूम पर प्ले करेंगे तो आपको इसमें 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है और फुल वॉल्यूम पर फ्रेंड्स आपको इसमें 3 से 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो एवरेज बैटरी बैकअप इसमें हमें दिया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड, चलिए अब जल्द से हम करते हैं इसकी ऑडियो को टेस्ट और देखते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी हमें इसमें मिलती है। Oh,
फ्रेंड्स आपने सुनी इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो ऑडियो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इम्प्रेसिव हमें नहीं मिलती है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा कि ये 16 वॉट के स्पीकर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करूँ बेस की, तो बेस तो फ्रेंड्स इसमें है ही नहीं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ऑडियो क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा बेकार हमें मिलती है। फ्रेंड्स अगर फाइनली बात करूँ तो मैं जैबरोनिक्स से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जैबरोनिक्स ने इतना बड़ा स्पीकर क्यों बनाया है और ये बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं है। आपको इसको कैरी करने में प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज का है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की, तो इसमें हमें 16 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं, बट 16 वॉट के स्पीकर्स कहाँ पर है मुझे नहीं पता चला है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसमें 16 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं। 5 वॉट के स्पीकर की क्वालिटी भी इससे बेटर होती है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं तो इसमें हमें 52 mm के ड्यूल ड्राइवर्स दिए गए हैं और ड्राइवर्स कहाँ हैं ये भी हमें नहीं पता चलता है क्योंकि बेस फ्रेंड्स इसमें है ही नहीं। ऑडियो क्वालिटी हमें बिल्कुल ही बेकार इसमें देखने मिल जाती है। पर्सनली फ्रेंड्स मेरी रिकमेंडेशन से आप इसको बिल्कुल भी परचेज ना करें। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 1200 rupees। आपको इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा कंपनीज के स्पीकर्स मिल जाएंगे जिनका आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपके कुछ और भी कमेंट्स और क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं, आई विल आंसर देम। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में।